हेलो, आज हम बना रहे हैं मलाई से बटर। घर में बटर कैसे बनाते हैं, वाइट बटर। उसके लिए पहले हमने जो हमारी 15-20 दिन की मलाई है, इसको हमने फ्रीजर में रखते रहे, इसको इकट्ठा कर लिया। जब हमारा जो टिफिन भर गया पूरा बॉक्स डब्बा, तो उसके हमने फिर उसको पहले जैसे हम दही जमाते हैं, पहले उसको गर्म करा, फिर हल्का सा ठंडा करके दही जमा लिया हमने। अब इसके बटर बनाएंगे, हम मिक्सी में डाल देंगे। आप बीटर से बना सकते हो इसको भी, मिक्सी में डाल के और पानी डाल के इसके अंदर जो जो घर में बटर बनाते हैं उसमें ज़्यादा फैट नहीं होती, हल्का होता है। इससे इसको गर्म करके बटर को फिर घी बनता है, उसमें फैट कम होती है। अब इसके इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी डाल के फिर मिक्सी चला देंगे। इसमें ज़्यादा नहीं भरा, नहीं तो बाहर आने लग जाती है उसमें जो। इसकी इसके तीन चीज़ें बनेंगी आपको, बटर भी मिलेगा और लस्सी भी मिलेगी और घी भी मिलेगा। अब 1-2 मिनट चलाने में ऐसे बटर बन गया जी, और ये लस्सी बन गई इसके अंदर। ये बहुत टेस्टी लस्सी बनती है, जैसे गांव में बनती है वैसी बनती है। जब वैसी सीधी मलाई से बनाओगे तो वो कड़वी लगती है थोड़े। ये बटर हम इसको हफ्ता भर गर्म फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होएगा। सर्दी में तो 15-20 दिन निकल जाते हैं इसमें। अब इसको जो हमने बटर बनाया इसको निकाल लेंगे। हमारा वाइट बटर बन गया और लस्सी भी बनी इतनी सारी। इसकी हम कढ़ी बना लो या ऐसे पी लो, अच्छी लगती, जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं इसको। बहुत टेस्टी लस्सी बनती है और बटर भी बहुत टेस्टी बनता है। ये इसको मलाई को पहला आप फ्रीजर में रखना है, इसको जो भी 15-20 दिन का इकट्ठा कर ले, मलाई करते रहना, फिर उसको फ्रीजर में रखना। फिर उसको बाद गर्म करके फिर उसको दही जैसे हम बनाते हैं वैसे बना के फिर बनाना उसका। कई बार क्या है, गर्मी में वो घी जल्दी से बनता नहीं है, पतला हो जाता है घी। उसके अंदर आप ठंडा पानी जब आइस डाल लो तो अच्छे से घी बन जाता है। आप ऐसे बनाना तो आपको जरूर घी बनेगा, बनेगा जो बटर बन जाएगा आपको। हम कल को घी भी बना के इसको दिखाएंगे, इसको गर्म करके फिर ठंडा करके फिर कुछ छान के घी बना देंगे, कल को दिखा देंगे हम। हेलो, आज हम बटर से, पहले हमने बटर बनाया था घर में, उससे आज घी बनाना बताएंगे कैसे घी बनता है। हमने बटर को ऐसे गर्म कर लिया, इसको गर्म कर लिया बटर को, और फिर उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दिया, वो ऐसे जम गया। अभी इसके अंदर जो भी जो लस्सी है, जो छाछ है, इसके अंदर निकाल देंगे और जो घी इसको दोबारा गर्म कर लेंगे। अभी इसको निकाल देंगे सारा लस्सी। अभी हमने लस्सी पूरी निकाल दी है, अब इसको गर्म कर लेंगे। पहले फास्ट में गर्म करेंगे, उसके बाद इसको 15-20 मिनट तक इसको पकाएंगे। सबसे अच्छे से जो उसके अंदर लस्सी वगैरह रहेगी वो जल जाएगी, फिर उसका घी ऊपर आ जाएगा, फिर उसको छान लेंगे। अभी घी को ऐसे हमने ऐसे इसको गर्म कर रहे हैं, ऐसे 10-15 मिनट हो गए इसको, और फास्ट में रखा हुआ है, और अभी 10-15 मिनट में बनाएंगे। जो जो इसमें जो मलाई का होता है, जो मलाई को घी निकल आता है ऐसे हो जाता है, मलाई के ऊपर से निकल जाता है। अभी ये बिल्कुल उसका रंग थोड़ा चेंज हो जाएगा तभी इसको बंद करेंगे। इसकी लस्सी सारी जल गई है, फिर अच्छे से घी ख़राब नहीं होता, अच्छे से घी को पकाओ तो फिर ख़राब नहीं होता, ज़्यादा देर काफ़ी देर चल जाता है। अभी 10-15 मिनट और पकाने के बाद जो इसका जो इसमें जो है इसका मलाई का जो होता है ऊपर से रह जाता है, जब दूध बनाने के बाद, घी बनाने के बाद। अब इसको जो नीचे बैठ गया, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, लस्सी जो सारी इसके अंदर छाछ सी सब जल गई है। अब इसको ठंडा करेंगे और फिर छान लेंगे। अभी हमारा जो घी है ठंडा हो गया हल्का सा, अब इसको छान लेंगे। इसको बहुत आराम से छानना, बिल्कुल इसके अंदर जो आने नहीं चाहिए इसका जो है ऊपर से जो बना कचरा सा है, बिल्कुल लस्सी वगैरह छाछ वगैरह इसके अंदर एक ड्रॉप भी नहीं जाना चाहिए। बहुत ध्यान से इसको छानना पड़ता है। ऐसे सारा घी ऐसे छान लेंगे। हमने पूरा घी ऐसे छान लिया, बहुत ही एकदम क्लियर साफ दिख रहा है घी एकदम अच्छा से। ये घी इसको अच्छे से छानोगे, अच्छे से पकाओगे, इसको पकाना चाहिए, जरूरी है इसको पकाना, घी को 15-20 मिनट 25 मिनट पकाओ उसको, फिर उसको छान के रखो उसमें। अभी उस किसी बॉटल में डाल लेंगे, तो आप जो ज़्यादा देर रखना चाहिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हो, जो 5-6 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होता घी।